नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाई, मैं पॉडकास्ट नहीं कर पाई, क्योंकि काफी ज्यादा जो वर्कलोड होने की वजह से मैं आप लोगों तक वो इंटरव्यूज नहीं पहुंचा सकी। लेकिन आज मैं फिर से एक ऐसे गेस्ट के साथ वापस आई हूँ इंटरव्यू आज हमारे पॉडकास्ट पे। पाकिस्तान से दिव्य कुमार सर जी जुड़ चुके हैं, जिनको इंडिया में काफी पसंद किया जाता है, काफी इनकी इज्जत है और काफी इनको सराहा जाता है इनकी नॉलेज की वजह से। और ये बोला जाता है कि पाकिस्तान में शायद एक ऐसा बंदा है जिसके पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज है और जो इथिकल बातें करता है। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। और आपने इतनी तारीफ कर दी, अब मैं आगे क्या बोलूं। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारी ऑडियंस के लिए आते हैं। लेकिन तारीफ की बात करें तो तारीफ के आप लायक है ही, दैट इज वाई, क्योंकि हम जिस भी पाकिस्तानी से बात करते हैं वो बस सिर्फ और सिर्फ यही दावा करते हैं कि कश्मीर, भारत, वो ये, मतलब अनएथिकल बातें थी। जैसे आपने देख ही लिया कि चंद्रयान 3 पे किस तरीके से यूट्यूबर्स ने वहां पे वो हल्ला मचाया था, तो वो अनएथिकल टाइप का था। लेकिन इथिकल नॉलेज पाकिस्तान में मतलब काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है, आपसे भी, हमारे दर्शकों को भी। और चूंकि आप सच्चाई के साथ हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि सच्चाई की ही जीत हो। सर, वैसे तो हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं, लेकिन आपसे आज ऐसे मुद्दे पे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि भारत जो है आप भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, चाहे साइंटिफिकली बात करें, टेक्नोलॉजिकली बात करें, फाइनेंशियली बात करें, डेवलपमेंट की हर किसी सेक्टर की बात करें तो भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। और हमारे भारत का एक और मिशन लॉन्च होने वाला है, समंदर यान मिशन, जहाँ पे जो है इस बार भारत जो है वहां पे कुछ अपने जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो डीप डाउन द ओशन उनको भेजेगा और वहां पे रिसर्च करेगा। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या कुछ नॉलेज इस मिशन के बारे में, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, मैं इस मिशन की पहले तो हिस्ट्री में जाऊंगा, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता इसकी हिस्ट्री के बारे में। 1982 में इंडिया ने पहला पॉली मेटेलिक नूडल कलेक्ट किया था इंडियन ओशन के बेसिन से। तो उसके बाद 1982 में और अच्छा, सेम ईयर 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंडर एक ऑटोनमस बॉडी बनाई गई थी, इंटरनेशनल सी बैट अथॉरिटी। तो इंडिया ने उस अथॉरिटी से 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की परमिशन ली थी। वो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडियन ओशन का, जहां पर वो रिसर्च वगैरह हर चीज करेंगे इंडिया। और इंडिया इस काम में इतना ज्यादा आगे था और इतना एडवांस था कि 1987 में इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर बोला गया था दुनिया में डीप ओशन माइनिंग में, डीप हाँ, ओशन माइनिंग के अंदर। तो वो इंडिया को मिला था दुनिया का पाइनियर इन्वेस्टर, मतलब पहला और सबसे बड़ा। फिर 2002 में सैंपल्स कलेक्ट हुए, बहुत कुछ काम हुआ। तो उसके बाद 2002 में इंडिया ने 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो दायरा था वो एक्सक्लूसिवली लिया कि अब हम इस देर माइनिंग करेंगे। उसको भी कट डाउन करते करते वो 58,000 स्क्वायर किलोमीटर पे आए। अब वो 58,000 किलोमीटर में पॉली मेटेलिक नूडल्स हैं। बेसिकली वो नेचुरली फॉर्म होते हैं अंडर द ओशन एट सर्टन डेप्थ, ठीक है। तो उस नूडल्स में क्या होते हैं, वो मिक्सचर होते हैं बहुत सारे मिनरल्स का। मैग्नीज हो गया आपका, कोबाल्ट वगैरह होता है इसके अंदर, और निकिल होता है, कॉपर होता है, हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है। जी तो अब सर, ये सारे मिनरल्स जो हैं वो आप निकाल, नूडल्स निकाल के आप उनको रिफाइनरी में रिफाइन करके आप यूज कर सकते हैं। अब कहते ही हैं कि 58,000 स्क्वायर किलोमीटर में इतने पॉलीमेटेलिक नूडल्स हैं जिससे इंडिया के अगले 100 साल की नीड्स पूरी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे एलिमेंट्स आपके सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक में यूज होते हैं, सोलर में यूज होते हैं, सोलर पैनल्स में। तो आपकी 100 साल की इंडिया की नीड्स पूरी हो सकती है 58,000 स्क्वायर किलोमीटर में इतने हैं। फिर 2018 में इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली मिशन शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर, डीप ओशन मिशन। और ये इसका बजट है $1.2 बिलियन। ये 18 से 25 तक चलेगा। इस मिशन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो उसके अंदर मेन चीज है वो डीप ओशन माइनिंग है। अब ये हुआ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो इंडिया का है, उसने अब व्हीकल बनाया है मत्स्या 6000। मत्स्या मीन्स ओशन, विष्णु भगवान का दूसरा अवतार जो समंदर से जिसका ताल्लुक था,
और 6,000 मतलब 6,000 मीटर, 6 किलोमीटर की डेप्थ, 6,000 मीटर की गहराई तक। अब उसके अंदर तीन मैन व्हीकल, तीन साइंटिस्ट भी आपके नीचे जाएंगे, ये मैंड सबमरीन या मैंड व्हीकल आप कह लें डीप ओशन। लास्ट ईयर उन्होंने अनमैन किया था, वो सक्सेसफुल हुआ, तो अब अनमैन सक्सेसफुल हो गया है, तो अब ये मैन को भेज रहे हैं। इसके अंदर वो नीचे जाएंगे, पॉलीमेटेलिक नूडल्स को कलेक्ट किया जाएगा, उनके ऊपर मजीद रिसर्च की जाएगी, जो नीचे की जितनी भी इन्वायरमेंट की आपकी इंफॉर्मेशन है, चाहे टेम्परेचर है, चाहे केमिकल्स हैं, चाहे और भी कुछ चीजें हैं, तो उन सबको भी कलेक्ट किया जाएगा, ऊपर लाया जाएगा। उसके बाद एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, वायबिलिटी रिपोर्ट, जो 2025 में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि भाई इसमें कितना खर्चा है, किस तरीके से कर सकते हैं, और क्या बेहतरियां ला सकते हैं, और मजीद क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। एंड फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स इसकी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, कमर्शियली इनको निकालना और माइनिंग शुरू हो जाएगी, लाइसेंसेस बाकायदा दिए जाएंगे, जैसे आजकल ऑयल और गैस ब्लॉक्स के दिए जाते हैं ओशन में, तो फिर माइनिंग के भी दिए जाएंगे। वैसे इनको माइन करने में कोई इतना मुश्किलें नहीं आती, इसके अंदर एक ही मुश्किल आता है, ये बिल्कुल जमीन पे होते हैं, डेप्थ पे होते हैं, क्योंकि इसको आपको खोदना नहीं है अंदर जाके, जैसे ऑयल और गैस के लिए फिर भी आपको नीचे जाके ड्रिलिंग करनी पड़ती है, इसमें नहीं है, ये बेड पे पड़े हैं, आपको झाड़ू लगा के हम कचरा कलेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल समंदर के जमीन पे आपको वो कलेक्ट करने पड़े हुए होते हैं। अब इसके अंदर और कुछ चीजें जो ये देखे, इस मिशन के अंदर बायोडायवर्सिटी भी देखी जा रही है, जो मरीन बायोडायवर्सिटी होती है, मरीन लाइफ को भी स्टडी किया जाएगा, क्योंकि उतनी डेप पे आपकी मरीन लाइफ भी चेंज हो जाती है, इतनी डेप पे आपको वो नॉर्मल वो चीजें नहीं मिलती जो आपको ऊपर ऊपर मिलती हैं। इसके अलावा इसके अंदर टाइडल एनर्जी को भी कैलकुलेट किया जाएगा कि इंडिया और कितनी मजीद टाइडल एनर्जी जनरेट कर सकता है और कैसे कैसे कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल और एक और चीज है, इसके अंदर गैस भी ढूंढी जा रही है, पॉलीमेटेलिक नूडल्स वहां पर फॉर्म होते हैं जहां पर गैस होती है समंदर में, तो मतलब अगर उधर नूडल है तो उसके आसपास कहीं ना कहीं गैस भी है, तो वो गैस भी साथ ही साथ ढूंढी जा रही है। और ये जो बिल्कुल मत्स्या 6,000 व्हीकल है, ये जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इसरो के साथ मिलकर बनाया, तो इसके अंदर इसरो, डीआरडीओ, नेशनल इंस्टीट्यूट और ये तो सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। देखिए यू तो बहुत सारे मिशन लॉन्च हुए, चंद्रयान 3 की बात करें या फिर गगनयान की बात करें या फिर यही हमारा समंदरयान, चूंकि भारत जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और अपने मिशन में कामयाब भी हो रहा है। क्या लगता है आपको समंदरयान जो ये मिशन है, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये किस कदर सक्सेसफुल होगा, किस कदर ये सक्सेसफुल होगा, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, डीप सी माइनिंग में इंडिया पाइनियर इन्वेस्टर है, सबसे आगे है, इवन वेस्ट से भी आगे है, ठीक है। जी डीप सी माइनिंग में देखें इंडिया सबसे आगे है, पाइनियर इन्वेस्टर का खिताब इंडिया के पास है। इवन अगर आप अमेरिका में, कनाडा में, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो भी डीप सी माइनिंग अभी शुरू की है उन्होंने, तो स्टार्टअप्स अभी आए हैं जिसपे वो रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया 82 से कर रहा है। पहली चीज तो आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है, नॉलेज वगैरह वो इंडिया के पास है। सेकेंड चीज आती है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कितनी है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट कितनी है। इंस्टीट्यूशन की मैंने आपको बता दी, इसरो, डीआरडीओ सब मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आप बजट की बात करें, गवर्नमेंट सपोर्ट की, बजट में भी सपोर्ट है और ओके गो हेड दे दिया, ये तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आपकी गवर्नमेंट से ही नहीं। बिल्कुल तो हमारा पॉलीमेटेलिक नूडल पहला 2002 में निकला है कमर्शियल, ठीक है, तो वो काम नहीं हुआ, तो आप गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। तीसरी चीज आखिरी जो होती है स्टेप बाय स्टेप चलना, जी तो लास्ट ईयर अनमैन मिशन भेजा गया है, इस साल मैन मिशन, तो वो जैसे गगनयान का कर रहे हैं इसरो वाले, ठीक है। इसरो वालों ने पहले अगले साल आपका लोगों को आसमान में, स्पेस में भेजने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को वो पहले अनमैन भेजेंगे, जिसका वो रोबोट भी आया है, रोबोट भी अभी बड़ा कॉमन हुआ था एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे, फीमेल रोबोट। बिल्कुल फीमेल रोबोट। तो अब वो फीमेल रोबोट के पहले भेजा जाएगा फिर असली इंसानों को, तो इसी तरह लास्ट ईयर भी हुआ था। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बाकी देखिए रिस्क तो हमेशा रहता है, डीप ओशन इज इक्वली डेंजरस टू स्पेस, डीप ओशन में प्रेशर भी होता है, अनफेमिलियर एनवायरनमेंट, अनफेमिलियर एनिमल्स, मरीन लाइफ भी होती है, इट कैन गो एनी वे, ठीक है। अगर आप अभी देखें, रिसेंटली एक आपने सुना होगा वो
बहामास पे एक कोई कंपनी थी वो जिसके अंदर वो पाकिस्तान के 2 बिलियनियर भी थे, वो उनकी डेथ हो गई जो टाइटेनिक का रैकरेज देखने गए थे नीचे समंदर में। इट कैन गो आइदर वे, इधर भी जा सकता, और जरूरी नहीं है कि समंदर के नीचे कुछ हो, क्या पता नीचे सब सही है, ऊपर जो जहाज से जो कनेक्शन आ रहा है, जो जहाज से कनेक्टेड है उस जहाज में फंसा, बिल्कुल ऊपर तूफान आ जाए, कुछ कुछ हो जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। बाय द वे इंडियन ओशन में अर्थक्वेक भी है, सेस्मिक जोन है वो, क्या पता नीचे जाए अर्थक्वेक आ जाए। जाहिर सी बात है इन सारी चीजों को देखा जाता है, परखा जाता है, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ वॉट इफ पे नहीं छोड़ा जाता, लेकिन कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कॉजेस हैं, नेचुरल चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। आप कितना भी परखें, आप कितनी भी तैयारी करें, वो कहीं ना कहीं आपको जाके तंग करने आते ही हैं। ये बात तो सही है। खैर, जहां एक तरह से बात करेंगे भारत की, भारत हर तरीके से आगे जा रहा है, भारत हर तरीके से अपलिफ्ट हो रहा है, भारत हर तरीके से अपनी छवि दुनिया में बना रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे आपके मुल्क की, पाकिस्तान की, पाकिस्तान हर जगह पे जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी का कारण भारत को ठहराता है, सिर्फ और सिर्फ ये दावा करता है कि भारत में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो हो रहा है, ये हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोग इसी बात पे है, अनएथिकल बातों पे है। क्या आप एज ए पाकिस्तानी, जब आप भारत को इतना ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके नेशन को भी ऐसा करना चाहिए, आपके हुक्मरानों को भी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, रादर देन फोकसिंग ऑन कश्मीर एंड भारत, उनको अपने नेशन पे फोकस करना चाहिए? कैसा लगता है एक पाकिस्तानी होके, और जब आप ओवरऑल बाहर के लोगों का वही रवैया देखते हो, बाहर जो भी लोग है पाकिस्तान से जो बस ये दावा करते हैं नहीं चंद्रयान भी झूठ था, हमें क्या जरूरत है चांद पे जाने की, स्पेस में क्या रखा है, वो मतलब वो इलॉजिकल और अनएथिकल बातें करते हैं, तो आप कैसा सोचते हो एज ए पाकिस्तान, कैसा लगता है उस टाइम पे आपको? मैं पहले आपको मोदी जी से पहले का थोड़ा टाइम बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले क्या था कि हम इंडिया को भी देखते थे, इंडिया तब भी आ गई था, जाहिर सी बात है, अब उतना आगे नहीं था, थोड़ा 19-20 का फर्क था, पाकिस्तान करीब करीब था, अब तो फर्क ही नहीं है, डिफरेंस इतना हो गया दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन आगे था। हम इंडिया को देखते थे या वेस्टर्न कंट्रीज को देखते थे, आज भी पाकिस्तानियों को आप पासपोर्ट अमेरिका खोल दे तो ये सबसे पहले तो यही खड़े हुए होंगे, ठीक है। वो उस वक्त एक समझ में आ गई थी कि दुनिया ऐसे ही चलती है, गरीब मुल्क होते हैं, अमीर मुल्क होते हैं, बर्जुआजी क्लास होती है, ठीक है, आपके, और एक लोअर क्लास होती है, क्योंकि फिलोसफी में मैं बचपन में या बहुत कुछ मैं पढ़ चुका था, तो उस पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया था, क्योंकि दुनिया की पॉलिटिक्स और डायनेमिक्स ही वो थी लास्ट सिंस 400 ईयर्स, 400 सालों से। ये है कि रिसेंट में अगर बात करें 2019 के बाद की, 19 के बाद एक चेंज आया जो मोदी जी लेके आए दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में, कि यार नहीं, गरीब मुल्क भी अमीर हो सकते हैं, निचले मुल्क भी तरक्की करके सुपर पावर्स बन सकते हैं। जैसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास पहले भी थे, साउथ कोरिया था हमारे पास, जापान था हमारे पास, सिंगापुर का एग्जाम्पल था, पर एक चीज थी ना कि उसको हम लोग अवॉइड करते थे, लेकिन एक था ना कि बिल्कुल जीरो से उठ के भी मुल्क बहुत आगे जाया जा सकता है, एक बिल्कुल कॉलोनाइज्ड मुल्क पोस्ट कॉलोनियल जो ट्रॉमा होता है उससे भी निकल के आगे बहुत तरक्की कर सकता है, क्योंकि दुनिया में एक ये भी था कि यार वो तो कभी मुल्क कॉलोनाइज हुए ही नहीं, तो उनके ऊपर पोस्ट कॉलोनियल ट्रॉमा ही नहीं है, तो वो चीजें भी थी। तो ये एक रवैया जो चेंज हुआ ना, इसके बाद लगा कि यार करना तो चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए करप्शन इज नॉट द बिगेस्ट इशू, क्योंकि दुनिया में सभी करप्ट है, ठीक है, दुनिया में पाकिस्तान तो अब 25 में भी नहीं आता करप्शन में, नंबर 1 अमेरिका है, तो उसका करप्शन मेरे लिए इशू नहीं था, इनकेपेबिलिटी, इंटेंशन और आपकी हार्डवर्क, वो मेरे लिए बड़े बड़े इश्यूज थे, मेरिट तो वो इश्यूज थे, तो अब लगता था यार करे तरक्की करे। और फिर एक होता था इंडिया से एक अलग, वो इसीलिए है, चाहे वो किसी और पाकिस्तानी की हो चाहे वो मेरी हो, इसीलिए है क्योंकि हमने इससे आजादी ली है, हम इससे अलग हुए, ठीक है। तो हम बेसिकली आज से 77 साल पहले, अगर हम भी कहीं जाते हमें भी दुनिया में इंडियन ही बोलते ना, 77 साल पहले तो इंडियन ही थे ना, तो बिल्कुल वो एक कनेक्शन जो है वो ज्यादा तकलीफ दे एक कॉमन पाकिस्तानी के लिए हो जाता है। और फिर आपको पता है जिस तरीके से 75-7 ईयर्स में जो एजुकेशन सिस्टम, मीडिया, ब्रेन वॉश, प्रोपागेंडा हुआ, तो अब वो रिजिट हो गए, तो वो तकलीफ से भी आगे निकल गए। एक तकलीफ होना, एक जेलसी होना, फिर एक होती पॉजिटिव जेलसी, यार उसने किया तो मैं भी करके दिखाऊंगा, मुझे भी उधर पहुंच रहा है, एक होता है उसने किया तो मैं उसको भी तबाह कर दूंगा, उसको भी नीचे ले आऊंगा, वो वाली जो जेलसी है वो आ गई है अब। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि भारत का जो नाम है खराब करना, भारत पे हर बार बात करना, कश्मीर पे बात करना, लेकिन अब कोई मुद्दा नहीं
बचता है उनके पास, बार बार कश्मीर के बारे में आता है, लेकिन अब जब कश्मीर का यूथ भी आ रहा है तो उनको भी पेड़ बोला जाता है, राइट? ये बात आपने बिल्कुल भी सही बोली। खैर, हम भी यही चाहेंगे कि उन लोगों को अकल आ जाए, और अकल तभी आ जाती है जब पॉलिटिक्स सही होती है, जब पॉलिटिशियन सही होते हैं, जब मुल्क का जो है कवानीन सही होते हैं, जब मुल्क में मुल्लाओं से ज्यादा पॉलिटिक्स पे या मुल्लाओं से ज्यादा एथिक्स पे ध्यान दिया जाता है, तभी शायद मुल्क में बेहतरी हो सकती है। अगर मुल्क में किसी एक रिलीजन को मद्देनजर रखा जाए तो वो मुल्क बर्बाद होता है। जाहिर सी बात है, एक मुल्क में सेक्युलरिज्म चलता है, एक मुल्क में ये सब चीजें नहीं चलती है। रिलीजन सिर्फ और सिर्फ घर तक ही चलता है, और मेरा ये भी मानना है कि रिलीजन हर एक, चाहे वो किसी भी बंदे का, वो घर तक ही होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो वो घर तक अपने मुसलमान है, बाहर वो उस देश का नागरिक है, बाहर वो उस देश का सिटीजन है, उसको फर्ज, उसका फर्ज क्या क्या है अपने कंट्री के रिलेटेड, वो उसको पूरे करने ही चाहिए। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एथिकल बातें समंदरयान मिशन के रिलेटेड बोली, इंडिया के, आपके पास बहुत ज्यादा ऐसी नॉलेज थी जो शायद ये हमारे यहाँ पे व्यूवर्स कुछ चाहते थे कि वो इसके बारे में नॉलेज कलेक्ट कर पाए। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू।